बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार फ्रॉम बैंड्रा एंड टाइगर श्रॉफ फ्रॉम कुर्ला एंड बाकी चंगू मंगू कास्ट देखकर आ रहा हूँ। तो सभी से गुजारिश है कि रिव्यू को पूरा देखना, तभी जाके कमेंट सेक्शन में गाली देना। अब ये एक कंप्लीट एक्शन फिल्म है जिसकी स्टोरी को हाई ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके दिखाया है। वैसे मैंने अक्षय कुमार की जो लास्ट एक्शन फिल्म देखी थी वो थी लक्ष्मी एंड सम्राट पृथ्वीराज, जिसको देखने के बाद ऑडियंस आपस में मारामारी की थी। अब आप लोग सोचते रहेंगे कि मैं ऐसे भाग भाग के रिव्यू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म के अंदर हर 5 मिनट में अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की एंट्री ऐसे ही है मानो भाग के आ रहे ऐसा लग रहा है बार बार उबाल के उनको कोई बाहर परोस रहा है तो पूरे फिल्म में ये लोग भागते ही रहते। अच्छा, मेरे को बाद में मालूम पड़ता है कि ये लोग हम लोग को हिंट दे रहे कि तुम लोग ऐसे ही थिएटर छोड़ के भागो। बट अगर मैं बड़े मियां छोटे मियां इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इट्स अ मास्टरपीस। मैं नाभि पे हाथ रख के कसम खा के बता रहा हूं कि लास्ट टाइम मैंने तब एंजॉय किया था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, दोनों हाथ पैर टूट गए थे, उसके बाद आज बड़े मियां छोटे मियां को देख के एंजॉय किया। फिल्म कंप्लीटली फास्ट पेस्ड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सारी गंदगी आके निकल गई। वही फिल्म के अंदर बैक टू बैक एक से एक एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे, लेकिन उसका मजा तभी आएगा जब आप आग बंद करके देखोगे। देखना 3D नहीं, डायरेक्ट 5D इफेक्ट्स महसूस होगा। भाई एंट्री सीन पे तो सबने तालियां सीटियां छोड़ो, आपस में कान के नीचे भी बजाया। अब पता नहीं कि किसी फिल्म क्रिटिक ने ये नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन फिल्म ने एक मजबूत आर्ट चीज दिखाई, वो ये थी कि हर सीरियस सिचुएशन में चीप कॉमेडी डालना। इट वॉज लाइक नाइकी के अंडरवेयर में भी 6 होल नजर आ जाना। फिल्म की स्टोरी तो इतनी यूनिक है कि आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आप जगह पे ही मर जाओगे, लेकिन वही कहानी है जो आपने देखा रहेगा कि यार अपना ही आदमी आगे जाके आतंकवादी निकलता है। इनफैक्ट फिल्म का ट्विस्ट एंड टर्न्स तो इतना सॉलिड है जिसको देखने के बाद आप एक पैर थिएटर के अंदर रखोगे, एक पैर थिएटर के बाहर। सीरियस बात बहुत कर रही है, लेकिन अब मजाक की बात करूं तो फिल्म ने बहुत खर्चा, बहुत मेहनत दिखाया, तरह तरह के शूट किया, एक्शन सीक्वेंसेस में कितना मेहनत था, लेकिन एक भी एक्शन सीन्स या एक भी केमिस्ट्री सीन्स कुछ भी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाता। इनफैक्ट एक भी एलिवेशन प्रॉपर नहीं थे। वही फिल्म के एक ही BGM पे हीरो हीरोइन इनफैक्ट पूरा फिल्म का फिल्म निपटा दिया। कोई कितना भी ज्ञान दे, लेकिन अगर आप लोगों ने इसके एक्शन सीक्वेंसेस में लॉजिक ढूंढा ना तो आप लोगों का रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा सलमान खान के लिए। आगे टू बी ऑनेस्ट फिल्म को शूट अच्छा किया। आई मीन कोई यहां पर खड़ा है तो कैमरा 2 किलोमीटर दूर से ड्रोन शॉट होते हुए आ रहा है, ऐसा लग रहा है कार में घुसेगा। एनीवेज परफॉर्मेंस की बात करूं तो अक्षय कुमार विल लव यू मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, आप बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। प्लीज सुबह 4 बजे मत उठो, 10 बजे उठो ताकि थोड़ी एवरेज एक्टिंग देखने मिले, बिकॉज दिस वॉज टू ग्रेट परफॉर्मेंस। वही टाइगर श्रॉफ की बात करूं तो बाप रे बाप, उफ व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, द वे ही मैनेज टू बिकम ऑफिसर प्लस छपरी टुगेदर इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। टाइगर भाई, पीपल विल हेट योर वर्क बट आई एम विद द पीपल, डोंट वरी। वही फिल्म के अंदर अलाया फर्नीचर वाला हीरोइन भी है जिनका हॉर्नी परफॉर्मेंस आप देख लोगे, बोलोगे कि भाई सब इधर जंग चल रही है लेकिन ये छेड़खानी कर रही है, लेकिन उसने फिल्म बचाने का काम किया क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि सब लोग जब मिलकर भयंकर कॉमेडी कर रहे हैं तो वो क्यों बिचाता है। अच्छा, फिल्म के अंदर सोनाक्षी सिन्हा भी, जिनका कैरेक्टर बहुत ही सोच समझ के लिखा है, इससे पहले ऑडियंस इनकी एक्टिंग को ज्यादा देखे। फिल्म के अंदर पृथ्वीराज के गुंडे हर बार उनको मार के पिटा देते। मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की बात करूं तो उन्होंने अपने को एक्टर के साथ नाइंसाफी की, क्योंकि जब बाकी लोग बेकार एक्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने अच्छा एक्टिंग करके नाइंसाफी क्यों की भाई। सो आई हिट यू पृथ्वीराज सर। ओवरऑल बड़े मियां छोटे मियां को एक आखिरी फिल्म घोषित कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई जो था यही था, इसके बाद कोई इससे बेहतर फिल्म बन ही नहीं सकती। एंड इस फिल्म के लिए मैं क्या स्टार दूं भाई, अगर मैं ज्यादा स्टार दूंगा तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी इस फिल्म के लिए, इसलिए मैं छोटा स्टार दूंगा, वो है 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 फॉर द फिल्म। चलो कोई नहीं, अभी तक तो कुछ लोग गाली देना शुरू भी कर दिए रहेंगे कमेंट सेक्शन में, बट भाई मैंने तो तारीफ ही की है ना फिल्म की जो आपको सुन रहा था, मैंने कहा रखी ऑनेस्टी। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वरना मैं ही पासवर्ड लेता हूं, डिलीट कर दो चैनल, खत्म हो गया भाई, बाय।